Hi, this is the most खतरनाक साहिल खटर and you're watching me on Filmy Beat. मैं और मेरे दोस्त ना आपस में रैंडम क्लिप्स इंटरव्यू के शाहरुख खान के ना एक दूसरे को भेजते रहते हैं कि यार क्या आदमी है, क्या आदमी है, क्या यार ऐसा आदमी होना चाहिए यार जिसको भी होना चाहिए। जी, और अब तो ये लुक के साथ शाहरुख सर तो धमाल मचा है ये वाले लुक के साथ ही। You know, just these people who copy, you know, like, I don't like. Big statement. नहीं यार, शाहरुख इज लाइक माय डेमीगॉड। सो और किसे बोला कि गंजे लोग रोमांस नहीं कर सकते? आई एम श्योर उनके भी बच्चे हुए हैं। सो क्यों मैं सीधा बोलूं? इट्स ओके, व्हाटएवर इट इज, आप समझ गए ना मेरा सवाल। बस और क्या चाहिए, ऑडियंस भी समझ जाएगी। यू आर टॉकिंग अबाउट माय ग्रेट हेयर स्टाइल, यू आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट आई एम फॉलिकली चैलेंज्ड। Hi guys, welcome to Filmy Beat. This is Murtuza Iqbal and today I am with a celebrity जिन्होंने पहले YouTube पे बहुत धमाल मचाया, फिर बिग स्क्रीन पे चौके और छक्के मारे और अब OTT पे सबकी बजा रहे। Well, I am talking about other than Sahil Khattar who is here with us today. What proper or not Sahil? First tell proper. Me that. Very proper. Finally you got Sahil Khattar right. Yes, finally. Okay, बहुत rehearsal हुए हैं ये take से पहले. So Sahil, but hands down one of the best introductions. Thank you. बहुत अच्छा, crispy और मजा आ गया। Thank you so much. Well, before I would like to start by asking you this, बजाओ आ गई है जियो सिनेमा स्टूडियोज पे, कैसा रहा है रिएक्शन आपको, आपके परफॉर्मेंस का, पूरी सीरीज का कैसा रहा है? सो जियो सिनेमा पे बजाओ आई है, इट्स नॉट इवन बीन अ वीक 10 days। बजाओ का रिस्पॉन्स मैं कैलकुलेट करता हूँ हिट रेट से, ये मेरा पर्सनल मेथड है, इसका कोई टेक्निकल वो नहीं है, ठीक है? सो मतलब वो मत सोचना कि ये टर्म है तरण आदर्श ने कॉइन करी है, नहीं मैंने खुद ने बनाया है। विच मीन्स कि कितने रिव्यू आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं देखता हूँ कि कितने परसेंट अच्छे हैं बुरे हैं। तो 75% लोगों ने बोला है बहुत बढ़िया है, विद अ कपल ऑफ ऊपर नीचे थिंग्स एंड बट द बिगेस्ट थिंग इज कि जो मेरा कैरेक्टर है वैसे धारी पुनिया, उसका 99.9% हिट रेट है एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम एक्सटैटिक, आई एम ऑन क्लाउड नंबर 9 के ये कैसे हो गया। सो फर्स्टली कूडोज टू शिवा एंड सप्ता हु आर द क्रिएटर्स ऑफ द शो, देन तेज हु गेव मी दिस रोल एज वन ऑफ द लीडिंग मैन ऑफ बजाओ, एंड थर्डली निखिल साचान हु हैज रिटन इट, सो दैट क्रेडिट गोज टू देम। सेकेंडली द क्रेडिट गोज टू माई टीम that helped me prepare for this, the physical transformation, the Haryanvi dialect, there was just so much of hard work and mehnat that went behind it, so many people, blood, sweat, tears, bhook, pyaas, neend, sab tyag ke hum lage hue the paglon ki tarah, aur again matlab I've not said it enough but I want to say it, I'm really not normal, main bada jihadi futuri hu when it comes to work, I'm a maniac, once I get into something I get into the skin of it, so that is what has translated with everyone. अगर ये नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि यू नो ट्विटर पे ट्रेंडिंग नंबर 1 धारी सब पे भारी, विच इज ऑल्सो जस्ट अ डायलॉग, पर वो इतना सही आता है ना इतने सही टाइम पे, मेरे को खुद को लगा कि हाँ कुछ तो किया है ब्रो तूने, मतलब बात है। देन ऑल द सीन्स दैट आर द बिगर सीन्स दैट आर गेटिंग वायरल, द कॉल सेंटर सीन, द सेल मी दिस पेन, एंड देन द म्यूजिक वीडियो सेलिंग सीन, हर सीन में इतनी बजाई है हमने सबकी कि सब ताली बजा रहे हैं। आई एम लाइक यू कैन सी मेरे मुँह पर मेला लगा हुआ है, इट्स 5 चांद, 4 तो वैसे लगते हैं, 5वां मेरा। यू नो साहिल, आई वुड लाइक टू नो कि ऑफ कोर्स पहले आपने मूवीज की है जिसमें आपने सपोर्टिंग रोल्स प्ले किए थे, फर्स्ट टाइम एज वन ऑफ द लीडिंग प्रोटैगनिस्ट आप देखे जा रहे हैं, व्हेन दिस स्क्रिप्ट वाज ऑफर्ड टू यू व्हाट वाज योर रिएक्शन कि भाई फाइनली लीड रोल में आ रहा हूँ? सो दैट्स अ गुड वन, बट आई हैव डन अ लीड एंटैगनिस्ट बिफोर दिस, तो मेरे को एक्सपीरियंस था। Again, that movie was also on my shoulders, which is 200 Halla Ho, and I played a serial killer, which is totally opposite of what my real life, but that's what acting is all about. मतलब आप रणवीर को नहीं कहोगे ना कि तू खिलजी नहीं बन सकता, चाहे वो जितना मर्जी lively हो, उसने प्रूव किया, and I also took that as an example and took it in my stride, and I tried my level best to become that serial killer, which is also a biopic on Akku Yadav. हालांकि that man doesn't deserve a biopic, but yeah, as rightly you said. You know, when Tej Karan called me from Jio Studios, he heads the web series division, and he said, "Hero, na dega tere ko hero." वो एक लौटा बंदा था जो पहले से ही मुझे हीरो बुलाता था, और जब ये कैरेक्टर निकल के आया, so then I realized कि भाई ये तो कुछ और ही, ये तो बवाल हो गया, मतलब ये बवासीर है बे, मतलब कहाँ घुस गया है। So I'm very happy that these guys thought I can pull this off, even though a lot of the parts of the story revolves around all the ensemble,
बट समवेयर ऑर द अदर आई जस्ट लव्ड वॉट एवर आई कुड ब्रिंग ऑन द टेबल नॉट जस्ट माई सेल्फ आई लव्ड ऑल द अदर एक्टर्स हू सपोर्टेड मी इन डूइंग वॉट एवर काइंड ऑफ अ जॉब दैट वी पुल्ड ऑफ एंड आई एम वेरी हैप्पी विद एवरीबडीज परफॉर्मेंस एंड एवरीबडी इज गेटिंग अ लॉट ऑफ एक्लेट्स सो दैट्स अ गुड थिंग यू नो ऑफकोर्स दिस हैज बिकम अ ट्रेंड नाउडेज के भाई फर्स्ट सीजन आता है उसके बाद सेकंड सीजन का लोग सब वेट करने लग जाते हैं आई वांट टू नो बजाओ का सेकंड सीजन क्या कुछ बात चल रही है कुछ हो रहा है सो बजाओ का सेकंड सीजन पता नहीं क्योंकि वो बताएंगे अनाउंसमेंट हो रहा है फिल्मी वीक पे आज वो बताएंगे यार वी डोंट नो व्हाट द नंबर्स आर लाइक बट यू नो तेज करण ने एक चीज प्रॉमिस किया था कि इसको बाद इसके बाद तो हीरो बना दूंगा सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं बन गया मेरे घर वालों को भी नहीं बिलीव होता कि यू नो कि अरे लड़का ये कर सकता है सो वो बहुत बढ़िया बात है और यू नो मुर्तजा भाई अ लॉट मेनी टाइम्स जब आप बाहर निकलते हो ना ऑडिशंस में लोग देखते हो एक्टर्स देखते हो प्राइमरी कास्ट सेकेंडरी कास्ट इवन जूनियर आर्टिस्ट हर एक को मौका मिले ना हीरो बनने का एक सेकेंड में हाँ बोल देंगे तो मेरे को तो जब इतनी मेहनत करने के बाद जब ये मिला मैं तो चुपचाप बिछ गया आई वॉज अ कारपेट मैंने कहा सर आप बताओ कहाँ खड़े होने कैसे करना है मैं 120% दूंगा 100% तो सब देते हैं ना सो आई वॉज वेरी हैप्पी यार सो आई मीन आई होप देर इज अ सेकेंड सीजन आई होप एवरीबडी इज वॉन्टिंग अ सेकेंड सीजन आई होप आप सबको पसंद आया हो द वर्ल्ड दैट वी क्रिएटेड विद बजाओ यू नो साहिल ऑफ कोर्स आई वुड लाइक जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बोला यूट्यूब फिल्म मूवीज अब ये ओटीटी सीरीज कैसी रही है ये जर्नी किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे डिफिकल्ट ईजी कैसा रहा है ये पूरा और ये ट्रांजिशन का कब आपने सोचा जब आप आरजे थे तो कब सोचा कि यूट्यूब करूँ कब सोचा कि अब एक्टिंग करूँ उसके बारे में कुछ बताइए सो आई टेल यू दिस इज अ टू पॉइंट क्वेश्चन फर्स्टली आई वुड लाइक टू आंसर कि कैसी रही है जर्नी आई वुड से और सम अप द होल जर्नी इन दिस वन वर्ड कॉल्ड ब्लेस्ड बहुत सारे लोग बहुत सारा हार्डवर्क करते हैं मुझे मौका मिला कि वो हार्डवर्क अच्छी जगह शोकेस हो और लोगों की आंखों में आए अब जब भी लोग देखते हैं या मेरी फिल्म का पोस्टर होता है या ओटीटी का ट्रेलर होता है तो दे नो दैट यू नो ये लड़का आ रहा है तो ये कुछ तो इंटरेस्टिंग लेके आएगा सो दैट आई एम रियली हैप्पी अबाउट कि इट्स टर्निंग इनटू अ बैंकेबल फेस तो वो एक वर्ड है दूसरा पार्ट जो आपका था कि कितनी डिफ़िकल्टी कितना ईजी डिफ़िकल्टी सबकी लाइफ में होती है बहुत सारी बातें हो चुकी हैं मेरी स्ट्रगल के बारे में मैं बस उससे अब आगे आ गया हूँ एंड आई रियली वांट टू गो हेड यू नो एज यू नो राइटली सेड इन अ 90s फिल्म जिंदगी हर कदम एक नई जंग राइट यू नो साहिल मुझे ये जानना है कि मैंने ना विकीपीडिया पे देखा दैट यू हैव रिटन फॉर शाहरुख खान सलमान खान सम अदर एक्टर्स तो क्या लिखा है जरा बताओ हमें मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या लिखा है मैंने तो कोई फिल्म लिखी है जो हमें नहीं पता तो जरा बता दो हमें अगेन वेल रिसर्च्ड वेल थॉट ऑफ सो एक टाइम था व्हेन आई वाज रियली यू नो डैबलिंग बिटवीन जॉब्स मैं वीजे था एंकरिंग में भी जा रहा था तो एक लल पीरियड आया तो मैंने कहा यार मैं ना अब आरजे बन चुका था लिखने का पैशन तो था ही था और हम सोच रहे थे कि कभी कुछ ना कुछ तो लिखेंगे बहुत पहले एंड मेरे को फिर एक स्ट्राइक हुआ कि यार घर पे बैठने से अच्छा है कि कुछ लिख ही लो एंड सडनली आई मेट समवन हु यूज्ड टू प्रोड्यूस रियलिटी शोज तो मैंने फिर वहाँ एंकरिंग स्क्रिप्ट लिखनी शुरू करी फॉर अ लॉट ऑफ एंकर्स वहाँ से फिर वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स वैभवी मर्चेंट पिक्ड मी अप फॉर अ लॉट ऑफ इवेंट्स देन आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ अवार्ड शोज और वहाँ से आई स्टार्टेड राइटिंग एंकरिंग स्क्रिप्ट फॉर प्रियंका चोपड़ा शाहरुख खान रणवीर सिंह आई मीन ऑल द बिगेस्ट वंस एंड उनको शायद पता भी नहीं होगा मैंने उनके लिए लिखा है बट ऐसा सुमड़ी में अपना काम करता रहता था मेरे को था घर पे दाल रोटी आ रहा है ना बस बहुत है बट इट वॉज मोर ऑफ अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट आई स्टिल वॉन्ट टू राइट बट आई डोंट नो वॉट आई एम गोइंग टू राइट नाउ पहले तो था कि मैं खुद एंकर करूँगा तो मैं लिख लेता था बीच में आफ्टर अ लॉट ऑफ राइटिंग मैंने बहुत राइटिंग करी है मतलब 1.5-2 साल हर तरीके की राइटिंग करी है मतलब फिल्म फेयर से लेकर स्टार परिवार अवार्ड्स लाइक दैट्स माई यू नो रेनबो ऑफ राइटिंग दैट्स माई रेंज एंड आई एम रोवरिंग अबाउट इट सो अब मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे को लिखना है ना दोबारा तो आई विल गो विद समथिंग दैट आई वॉन्ट टू राइट बिकॉज आई नो दैट आई हैव दैट नैक वो जो साशा बैरन कोहन सेथ रोगन एडम सैंडलर जैसे लोगों के पास है ना आई प्रोड्यूस्ड अ लॉट जब डिजिटल एक स्तर पर आ गया तो सारा प्रोडक्शन हमने अपने अंडर ले लिया एंड आई प्रोड्यूस्ड अ लॉट सो आई नो दैट सेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग ऑल्सो आई नो राइटिंग ऑल्सो तो एक ऑल ओवर आर्क
तैयार हो चुकी है. नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मौका ताकि पड़े एक और चौका. लाइक स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट. सो कोई भी अगर आयरन गर्म कर रहा है एंड वांट्स अ प्रोजेक्ट लाइक दैट, लेट अस नो. राइट, यू नो आई वुड लाइक टू नो दिस साहिर के ऑफ कोर्स आपका जो अपीयरेंस है यू आर बहुत डिफरेंट है जो नॉर्मल मेल लीड एक्टर से दिखते हो. नहीं सीधा बोलो. क्यों मैं सीधा बोलूं? इट्स ओके, व्हाटएवर इट इज. आप समझ गए ना मेरा सवाल? बस और क्या चाहिए, ऑडियंस भी समझ जाएगी. यू आर टॉकिंग अबाउट माय ग्रेट हेयर स्टाइल. यू आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट आई एम फॉलिकली चैलेंज्ड. ओके आई डिड, वो थोड़ा बहुत हाईफाई इंग्लिश हो गया. ओके सो नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू नो कि यू नो बहुत बार ऐसे होता है जब आप ऑडिशंस के लिए मेबी जाते होंगे, क्या आपने कभी किसी से फेस किया है डायरेक्टर या कास्टिंग के, नहीं तू विग पहन ले तू ज्यादा बेटर दिखेगा, या कुछ करवा लेके तेरे बाल आ जाए, एनीथिंग डिड यू फेस ऐसा? बिकॉज बहुत एक्टर्स कहते हैं कि यू नो हमें बोला जाता है नोज जॉब करवा लो, लिप जॉब करवा लो. सो हैव यू फेस एनी सच थिंग्स? भाई देखो, अच्छा बुरा सब है यहाँ. इट्स अपॉन मी वेदर आई वॉन्ट टू रिमेंबर इट, एक्नोलेज इट और नॉट एक्नोलेज इट. सब ने सब बोल के देख लिया. मेरा हमेशा से ये रहा है, माई डैड यूज़ टू से, बिकॉज मैं प्री मेच्योर बॉल्ड हो रहा था एंड माई डैड यूज़ टू से कि यू नो जो आपकी आपको लग रहा है कि लाइबिलिटी है उसको एसेट बना के देखो और फिर देखो वो जो यूनिकनेस की लाइट है कैसे शाइन करती है. अभी भी आप लैम्प इधर कर लोगे शाइन करेगी. सो मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ करी कि इट्स अ गुड टाइम फॉर मी टू स्टेप इन टू बॉलीवुड और OTT वाला स्पेस, बिकॉज नाउ they really don't care about looks. Like how content is king. कि अब ये नहीं है कि वो टाइम नहीं रहे कि सलीम जावेद ने लिखी है तो ही स्क्रिप्ट आगे होगी. अब a new writer also is getting such good accolades. A new director, फिल्म अच्छी बननी चाहिए, सीरीज अच्छी बननी चाहिए. Same goes for the actor. Performance अच्छी होनी चाहिए. अभी आप बजाओ देखोगे उसमें एक्शन है, कॉमेडी है, ड्रामा है, सैडनेस है, इमोशंस है. ऑफ माई कैरेक्टर देर इज अ फुल आर्क एंड वी कैटेगोरिकली केप्ट इट लाइक दैट, कीपिंग इन माइंड माई फ्यूचर एटलीस्ट कि यार ये होना जरूरी है, इसके शेड्स दिखने चाहिए. वो सब दिखा है, मतलब अब कुछ नहीं बचा है, मतलब रोमांस भी करवा लो कोई दिक्कत नहीं है. सो और किसने बोला कि गंजे लोग रोमांस नहीं कर सकते? आई एम श्योर उनके भी बच्चे हुए हैं. सो पॉइंट बीइंग, व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस ना, नाउ द ऑडियंस डजंट थिंक अबाउट अपीयरेंस. नाउ द ऑडियंस थिंक्स कि इज ही कन्विंसिंग मी और नॉट, इज ही कन्विंसिंग और नॉट, इज ही गुड और नॉट, इसको देख के मजा आ रहा है या नहीं, इसको देख के वो इमोशन ट्रांसलेट हो रहे हैं या नहीं, हम तक पहुंच रहे हैं या नहीं. और जहां तक बजाओ का रिस्पॉन्स रहा है तो पहुंच ही गए. सो आगे भी आई एम होपिंग के पहुंच जाएंगे जी. और अब तो ये लुक के साथ शाहरुख सर तो धमाल मचा है ये वाले लुक के साथ ही. यू नो जस्ट दिस पीपल हु कॉपी यू नो आई डोंट लाइक बिग स्टेटमेंट. नहीं यार, शाहरुख इज लाइक माई डेमी गॉड. मैं बता नहीं सकता आपको, कई बार रात को 3 बजे उठ के मन करता है यार मन्नत के बाहर चले, ऐसे चले गया. लाइक आई लव, ओह माई फ्रेंड्स नो हाउ मच, माई फ्रेंड्स नो हाउ मच आई लव शाहरुख खान. मेरा अटक जाती है, सुई अटक जाती है. एंड आई हैव इंटरव्यूड हिम वंस, आई हैव अ ग्रेट पिक्चर विद हिम. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक, जैसे वो फोटो देखते हैं क्या तू उसके घर में था क्या तेरे को भाई ने. सो शाहरुख ओनली नोज हाउ टू कुक पिज्जा, वी ऑल नो. जो अ स्पेशल गेस्ट कम्स टू हिज हाउस, सी आई नो दैट मच, आई एम दैट बिग अ शाहरुख फैन. सो ही कुक्स इटालियन नॉर्मली बिकॉज इट्स इजी टू कुक ना. इतने बड़े आदमी के पास टाइम भी नहीं होगा ना ये सब लर्न करने का. तो क्या वो बोलते तेरे को घर पर बुलाया था क्या, पिज्जा खिलाया गया उन्होंने? नहीं यार बस यू नो लाइक two good energies when they combine, it's always a very good output. So that picture says a lot of words. I'm sitting ekdam niche unke charnon mein and he's just hiding my face like iska face na dikhe, and I've captioned it saying you know these big actors take all the limelight. Right. You know, actually, मेरा next सवाल जो था सही उसका शायद आपने जवाब अभी दे ही दिया. मेरा next सवाल यही था that you know when you were doing YouTube आपने बहुत से celebrities को interview किया था. Which was the celebrity you enjoyed the most interviewing? I think मेरा सवाल का जवाब आपने दे दिया. But अगर if you want to add on something, you can surely do that. Well, obviously शाहरुख का एक और anecdote है. I mean भाई जब आए, शाह भाई, शाह सर, so many names of this magical man, you know. मैं और मेरे दोस्त ना आपस में रैंडम क्लिप्स इंटरव्यू के शाहरुख खान के ना एक दूसरे को भेजते रहते कि यार क्या आदमी है, क्या आदमी है, क्या यार ऐसा आदमी होना चाहिए यार जिसको भी होना चाहिए. एनीवेज, सो यू नो देर वॉज दिस वन एक्सचेंज विद द मैनेजर. आई वॉज जस्ट अबाउट टू गेट रेडी, मेरा टचअप चल रहा था एंड शाहरुख सर आए एंड मैनेजर कहती कि हाँ ब्रीफिंग के लिए आ जाओ. तो डायरेक्टर जाता है ना, मतलब आपके कैमरे के पीछे सबसे पहले जो होगा उसको सारा कुछ पता है, वो जाता है कि सर हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे. तो मैनेजर सर नो 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 नो, tell Sahil to brief him.
एंड द डायरेक्टर वाज लाइक व्हाई कहते नो नो ही सीन हिज वर्क वाओ क्या शाहरुख भाई हैज सीन माय वर्क एंड मैं जब गया कहते हाँ मेरे को गौरी नहीं दिखाए थे तुम्हारे पंजाबी वाले क्लिप्स बिकॉज़ गौरी इज पंजाबी आई वाज लाइक यार अगर ये आदमी झूठ भी बोल रहा है ना मुझे मंजूर है मेरी दिन बन गई मेरी लाइफ बन गई सो दैट इज वन ग्रेट एक्सपीरियंस इंटरव्यू वाइज या आई थिंक nobody talks Shahrukh Khan any day right so lastly before I wrap up this Q&A I would like to know ke what's happening next ab bajao ke baad kaun si movie series kya lined up hai so I'll tell you bajao ke baad jo sabse badi cheez main kar raha hu chutti so I'm not allowed to divulge a lot of details but yeah I'm going on a at least 15 day hiatus or sabbatical or whatever you want to call it because mere ko na yaar main roller hockey khelta tha india ke liye और मेरे को ना सपने में रोलर हॉकी आ रही है 2-3 साल से और कोविड हो गया मैं जा भी नहीं पा रहा हूँ आई जस्ट वॉन्ट टू गो देयर प्ले रोलर हॉकी फॉर 15-20 डेज चिल विद माई फ्रेंड्स एंड कम बैक एज अ रिफ्रेश्ड मैन इट्स आई डोंट नो वॉट इज हैपनिंग इन साइड लाइक वो होता है ना कि आपका लॉन्ग लॉस्ट पैशन इज कॉलिंग यू वन फाइन डे एंड यू आर लाइक अब तो जाना पड़ेगा सो आई रियली वॉन्ट टू डू दैट सो दैट इज इन द फ्यूचर दो और चीज़ें हैं I want to become a bankable face. जहाँ पे भी poster पे आपको शक्ल दिखे, trailer में आपको शक्ल दिखे, you should be able to click and आपके automatically दिमाग में आ जाए, हाँ ये लौंडा है तो बढ़िया ही होगा content piece. कई बार ही होता है कि फिल्मों की अपनी किस्मत होती है या series की अच्छी निकलती है नहीं निकलती, पर they will never be disappointed with my performance because 100% तो सब देते हैं, मैं 125 दूंगा. That is for sure to entertain the audience. And thirdly, in the future I am manifesting के you know रोहित शेट्टी सर one day makes a bald cop film or a series where you know we get to honor his dad who was the iconic villain who was the poster boy of all of us at that time and kiri bhai se bhi baat ho rahi thi kehte you know jo when he went bald he also went bald at a certain age and unhone bhi wahi se inspiration liye there was also another actor called yuri wahan se bhi inspiration liye so I really want to become a rohit shetty cop kyunki bhai performance mein koi kami nahi hai अब बस अपॉर्चुनिटी चाहिए एंड इट विल बी सच अ ग्रेट है ना कितना सही वो सब ऐसा सामने एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा एवरीथिंग इज जस्ट अ ग्रेट कॉम्बिनेशन सो आई एम जस्ट वेटिंग यार थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर थैंक यू सो मच प्लीज ऑलवेज बी खतरनाक